मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत और कई दिनों के मंथन के बाद भारतीय जनता पार्टी ने आखिरकार राज्य में होने वाले नए मुख्यमंत्री पद के चेहरे का ऐलान कर दिया है। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री होंगे मोहन यादव। मध्य प्रदेश में सीएम पद के नाम का ऐलान होते ही मोहन यादव और उनके समर्थक खुशी से झूम उठे। राज्य के भावी सीएम का खुद शिवराज सिंह चौहान ने बुके देकर स्वागत किया। हालांकि शिवराज सिंह समर्थक खुद ही उम्मीद लगाए बैठे थे कि मुख्यमंत्री पद के लिए उन्हीं के नाम का ऐलान किया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। खैर, चेहरे पर खुशियां सजाए और लवों पर मुस्कुराहट धारण किए हुए शिवराज सिंह चौहान ने एमपी के होने वाले नए मुख्यमंत्री मोहन यादव का स्वागत किया। इस मौके पर मोहन यादव ने पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा समेत तमाम नेताओं का शुक्रिया अदा किया। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद को लेकर जिन संभावित नामों को लेकर चर्चाएं चल रही थी, उनमें मोहन यादव का नाम दूर दूर तक नहीं था। लेकिन बीजेपी आलाकमान ने जब सबको चौंकाते हुए मध्य प्रदेश के सीएम पद के लिए मोहन यादव के नाम की घोषणा की, तो वे खुद इस बात से हैरान भी रह गए और फिर खुशी से झूम भी उठे। मोहन यादव उज्जैन दक्षिण से विधायक है और वो शिवराज सिंह सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। मोहन यादव को लेकर कहा जाता है कि वो आरएसएस के पुराने कार्यकर्ता रहे हैं, संघ नेताओं के भी करीबी माने जाते हैं। मध्य प्रदेश सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री रहे मोहन यादव की गिनती पार्टी के मेहनती नेताओं में होती रही है। इन्होंने छात्र राजनीति से करियर की शुरुआत की थी और फिर वहां से होते हुए सक्रिय राजनीति में उतरे थे। एक साधारण कार्यकर्ता से लेकर मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने तक का इनका सफर खासा दिलचस्प रहा है। वे साल 2013 में पहली बार चुनाव जीतकर विधानसभा में पहुंचे थे। ऐसे में इनका कुल राजनीतिक तजुर्बा बहुत लंबा तो नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री पद तक महज 10 सालों के सफर में ही पहुंच जाना चर्चाओं में जरूर आ गया है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में सीएम पद की रेस में कई दिग्गज नाम शामिल थे, जिसमें प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर, वीडी शर्मा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कैलाश विजयवर्गीय। चर्चाएं हो रही थी कि इन्हीं में से एक को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन हुआ बिल्कुल अलग। अब मध्य प्रदेश में जल्द ही मोहन यादव सरकार का गठन होने वाला है। चर्चाओं के मुताबिक रविवार तक ये कुछ नए मंत्रियों के साथ पद और गोपनीयता की शपथ ले सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को शेयर, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।